हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईआरबी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 डिटेल चेक करेंगे। अगर हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम कांस्टेबल जीडी हवलदार और सिपाही के पदों के लिए भर्ती रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो आईआरबी जीडी भर्ती 2024 रखी गई है। वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17,000 प्लस पद आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रखा गया है, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन चेक हेयर पे रखी गई है। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। अगर हम मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो हमारा मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन मोड रखा गया है, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस सबसे पहले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0, यानी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फ़ीस पे कर पाएंगे। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी गई है, यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एससी एसटी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 साल की छूट दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 साल की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो 15 साल की छूट दी गई है। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 पोस्ट डिटेल्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल जीडी के लिए भर्ती रखी जाएगी। वैकेंसीज की बात करें यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 17,000 प्लस पद आपको देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 पीईटी टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रेस रखी गई है। 24 मिनट्स टाइम दी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस 8.30 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम दी गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 पीएमटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। अगर हम हाइट 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो चेस्ट 80-85 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर हम वेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज पे डिपेंड रहेगा। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 25 मार्क्स के लिए। सेकेंड पार्ट्स में हमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। तीसरे पार्ट्स की बात करें तो मैथ्स के 25 मार्क्स के लिए रखी जाएगी। अगर हम चौथे पार्ट्स की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी के 25 मार्क्स के लिए रखी जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 मार्क्स के लिए रखी जाएगी। अगर हम आईआरबी जीडी नई भर्ती 2024 इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन स्टार्ट डेट्स की बात करें तो यह वैकेंसी
की नोटिफिकेशन आपको मई या जून के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप जब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी तब आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर आप भी IRB GD के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।